श्री राधे हरे कृष्णा। पुनः दोहावली के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। गोस्वामी जी के द्वारा रचित दोहावली से आज पुनः एक दोहा हम सब लेते हैं। भलो कहां ही बिनु जाने हूं, बिनु जाने अपबाद, तेनर गादुर जान जिय करियन हर्ष विषाद। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो लोग बिना किसी के बारे में जानते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं या बिना जाने हुए उसकी निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्यों को चमगादड़ के समान समझना चाहिए और उनके इस प्रकार से निंदा व स्तुति करने से अपने मन में हर्ष व विषाद नहीं लाना चाहिए। अर्थात ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बिना जाने किसी के बारे में प्रशंसा भी करने लगते हैं और बिना जाने किसी के बारे में निंदा भी करने लगते हैं। ऐसे लोगों की बातों को सुनकर अपने मन में हर्ष व विषाद नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वे चमगादड़ के समान है। गोस्वामी जी ने चमगादड़ क्यों कहा, गादुर क्यों कहा? क्योंकि यह एक ऐसा जीव है जो मुख से ही ग्रहण करता है और मुख से ही मल निकालता है। अर्थात ऐसे गादुर प्रकार के लोग के हर्ष व विषाद, उनके निंदा स्तुति से आपके मन में नहीं होना चाहिए। वैसे तो यदि गीता में हम सब प्रवेश करें तो भगवान तो कहते हैं कि हर्ष व विषाद तो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से हर्ष व विषाद नहीं होना चाहिए। यह तो एक ऐसी अवस्था है साधक की जिसमें उसको हर्ष व विषाद होता ही नहीं है। गीता में भगवान ने कहा 12वें अध्याय में भक्ति योग में, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, वो तो निंदा में भी स्तुति में दोनों में तुल्य रहता है, दोनों में समान रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो अभी प्रशंसा कर रहा है वो थोड़ी देर बाद हमारी निंदा भी कर सकता है, और जो लोग किसी की निंदा करते हैं वही लोग किसी को स्तुत्य बनाकर पूजने भी लगते हैं। इसलिए साधक तो ऐसे हर्ष व विषाद से परे रहता है। गीता में भगवान ने कहा हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, जिनके भीतर ये हर्ष अमर्ष भय उद्वेग नहीं होता वो भक्त हमको प्रिय है। तो भगवान तो ये बार बार कह रहे हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, ये भी 12वें अध्याय का ही है, जिसके अंदर ऐसा हर्ष नहीं होता, द्वेष नहीं होता, शोक नहीं होता, कोई आकांक्षा नहीं होती, वो हमारा भक्त प्रिय है। लेकिन गोस्वामी जी इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों की पहचान करिए जो बिना जाने, कोई तथ्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उस व्यक्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी कदाचित वो प्रशंसा करने लगते हैं और कई बार उसके विषय में भान नहीं, ज्ञान नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई आधार नहीं और उसकी निंदा करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की निंदा और स्तुति दोनों करने पर मनुष्य के मन में हर्ष व विषाद नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए। आपको उदाहरण मैं दूं, हनुमान जी भगवान के दूत बनकर लंका में गए रावण की सभा में। अब हनुमान जी जैसा व्यक्ति अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन ऐसे हनुमान जी के लिए रावण ने किन शब्दों का प्रयोग किया, अधम, निलज्ज, सठ, मूर्ख, लेकिन हनुमान जी को कोई असर नहीं पड़ा, कोई उनको मोह न कछु बाधे कैला, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई, रावण के शब्द उनको तनिक भी नहीं चुभ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे रावण भी उसी कोटि का जीव है जिसकी गोस्वामी जी यहां चर्चा कर रहे हैं।
तो कई बार ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए, इनके निंदा व स्तुति से व्यक्ति के मन में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इन लोगों की बात को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। साधक वैसे तो दोनों अवस्था में सम रहता है, वो निंदा में भी स्तुति में भी, तुल्य निंदा स्तुतिर मोहनी, लेकिन फिर भी कोई जानकर किसी की प्रशंसा करे तब तो ठीक है, क्योंकि वो उसके बारे में जानता है। कोई जानकर करे, कदाचित ये भी होता है और हमने अपने देश में तो बहुत होता है, किसी अपराधी को, किसी अधर्मी को, किसी पापी को, किसी कदाचारी को कई बार लोग उसको स्तुत्य बना देते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उससे लाभ की आकांक्षा में उसको महान बना देते हैं। कई बार तो इस देश में आतंकवादियों को भी महान बना दिया गया, उनके लिए भी क्या क्या देश में तमाशा खड़ा किया गया। तो दोहावली के इस दोहे में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो बिना किसी के बारे में जाने प्रशंसा करता है या निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को चमगादड़ के समान समझकर कि जो मुख से ही ग्रहण करता है, मुख से ही उत्सर्जन करता है, ऐसे व्यक्ति की बात सुनकर अपने मन में हर्ष व विषाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। भलो कहे बिनु जाने हूं, बिनु जाने अपवाद, तेनर गादुर जान जिय, करिय न हर्ष विषाद। जय सियाराम।